ये हाँ हाँ ये उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में प्रशासन के खुलेआम गुंडे चुनाव कवरेज करने गए पत्रकार को सरेआम पीटा। 9 में CDO ने पत्रकार को चुनाव कवरेज दौरान दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अपनी पहचान बताता रहा कृष्ण तिवारी, भी पीटते रहे मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल। BJP नेता ने भी बुरी तरह मारा, फिर भी पुलिस बनी रही मूर्ख दर्शक। उन्नाव जिला मुख्यालय के मियागंज ब्लॉक पर चुनाव कवरेज के लिए पत्रकार जा रहा था, तब भी उसे रास्ते में कार से कुचलने का प्रयास किया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने उसको पीटा और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। उन्नाव जिले के मियागंज ब्लॉक पर शुक्रवार को मतदान के दौरान उन्नाव CDO दिव्यांशु पटेल ने कवरेज कर रहे एक पत्रकार को बेरहमी से पीट दिया। एक तरफ पत्रकार अपना परिचय देता रहा, दूसरी तरफ मुख्य विकास अधिकारी उसे पीटते रहे। इस दौरान एक स्थानीय BJP नेता ने भी पत्रकार को बेरहमी से पीटा। घटना के बाद से पत्रकारों में रोष व्याप्त है। CDO साहब पहचानते थे, फिर भी पीटा। पूरा मामला मियागंज ब्लॉक का है, जहां पत्रकार कृष्ण तिवारी चुनाव कवरेज करने गए हुए थे। पीड़ित पत्रकार की माने तो उन्नाव CDO दिव्यांशु पटेल उसे पहले से अच्छी तरह से जानते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित पत्रकार ने अब मुख्य विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पत्रकार कृष्ण तिवारी ने बताया कि वो जिला मुख्यालय से मियागंज ब्लॉक पर चुनाव कवरेज के लिए जा रहा था, तब भी उसे रास्ते में कार से कुचलने का प्रयास किया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने उसको पीटा और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। DM उन्नाव रविंद्र कुमार को पत्रकारों ने घेरा और ज्ञापन देकर CDO द्वारा सरेआम पत्रकार की पिटाई के मामले की जानकारी। DM ने कहा कि मामले के निष्पक्ष जांच की कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि CDO के साथ मारपीट में जो भाजपा कार्यकर्ता था उसको पकड़ लिया गया है। DM साहब, एक वीडियो जर्नलिस्ट के साथ यहाँ के उन्नाव के CDO ने मारपीट की है, उसका वीडियो भी है साहब, तो अभी आपको एप्लीकेशन दी गई है, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज मियागंज में एक हमारे पत्रकार साथी श्री कृष्णा तिवारी जी के साथ एक वीडियो वायरल हुआ है कि मुख्य विकास अधिकारी श्री दिव्यांशु ने उन्हें धक्का दिया मारपीट की। अभी हमारी सभी पत्रकार साथियों से वार्ता हुई है और मुख्य विकास अधिकारी ने इसमें क्षमा भी मांगी है, लेकिन कृष्णा तिवारी जी ने ये प्रार्थना पत्र दिया है और बिल्कुल मैं आश्वस्त करता हूँ आप लोगों को, बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होगी। इस प्रार्थना पत्र हम जांच करवाएंगे और जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी उस पर जरूर होगी। और मैं अपने सभी पत्रकार साथियों से अनुरोध करता हूँ कि इसमें पूर्ववत जैसे अभी तक आपने हमारा सहयोग किया है, कृपया सहयोग करें और विश्वास रखें कि इसमें जो बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई। जिम साहब, CDO साहब के साथ एक भाजपा कार्यकर्ता भी उनके साथ मारपीट में शामिल था, साफ तौर पे उस वीडियो में दिख रहा है, तो क्या उसको चिन्हित किया गया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है? जी, जैसा मुझे बताया गया है कि वो उसको पकड़ लिया गया है और विधिसम्मत कार्रवाई कराई जाएगी। ठीक।